हेलो फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी की चोली बनाना सीखेंगे। ये 0 नंबर के कान्हा जी की चोली है, ये 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इन्हें हम बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले इस चार्ट में हम सभी नंबर के कान्हा जी की चोलियों का नाप देखते हैं। इसमें हम कितने फंदे डालते हैं, कितनी बार जाली डालते हैं और बाजू में कितने फंदे घटाते हैं, और हमारे बचे हुए फंदों को हम कितनी बार कितनी जगह बांटते हैं। 1 0 नंबर के कान्हा जी में हम 14 फंदे डालते हैं, 3 बार जाली डालते हैं, 8 फंदे बाजू में घटाते हैं, 4 फंदे फली के निकालने के बाद हमारे 10 फंदे बचते हैं, जिन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। आगे की तरफ 2 फंदे लेते हैं, हम बाजू में 2 फंदे लेते हैं, पीछे भी 2 फंदे, बाजू में 2, आगे में 2 फंदे। इस तरह मैंने 5 भागों में बांट लेते हैं, 2-2 करके। 1 नंबर के कान्हा जी में भी हम 14 फंदे डालते हैं, 3 बार जाली डालते हैं, 8 फंदे बाजू में घटाते हैं और 10 फंदे हमारे बच जाते हैं। इन्हें भी हम 0 नंबर के कान्हा जी की तरह बांट लेते हैं। 2 नंबर के कान्हा जी में हम 16 फंदे डालते हैं, 3 बार जाली डालते हैं, 9 फंदे हम बाजू में घटाते हैं, 4 फंदे फली के घटने पर हमारे 12 फंदे बच गए। इन्हें हम शुरू में 2 फंदे, बाजू में 2 फंदे, पीछे 4 फंदे, बाजू में 2 फंदे और आगे की तरफ 2 फंदे। इस तरह मैंने 5 भागों में बांट लेते हैं। 3 नंबर के कान्हा जी में हम 2 नंबर के कान्हा जी की तरह 16 फंदे डालते हैं, 3 बार जाली डालते हैं और 9 फंदे हम बाजू में घटाते हैं। इसी तरह हमारे 12 फंदे बच गए, जिन्हें हम 2 नंबर के कान्हा जी की तरह बांट लेते हैं। 4 नंबर के कान्हा जी में 18 फंदे डालते हैं, 4 बार जाली डालते हैं, 11 फंदे बाजू में घटाते हैं, 4 फंदे फली के बच जाते हैं, तो हमारे ये 14 फंदे बच जाते हैं, जिन्हें हम 3 फंदे आगे की तरफ, 2 हमारे बाजू में, 4 फंदे पीछे, 2 बाजू में और 3 आगे, इस तरह हम बांट लेते हैं। 5 नंबर के कान्हा जी में हम 20 फंदे डालते हैं, 4 बार जाली डालते हैं, बाजू में 11 फंदे घटाते हैं, हमारे 16 फंदे हमारे बच जाते हैं, 4 फंदे फली के निकालने पर, 3 फंदे आगे के, 3 फंदे बाजू के, 4 फंदे पीछे के, 3 बाजू के और 3 आगे के, इस तरह हम बांट लेते हैं। 6 नंबर के कान्हा जी में हम 22 फंदे डालते हैं, 5 बार जाली डालते हैं, 13 फंदे हम बाजू में घटाते हैं, 4 फंदे फली के निकालने के बाद हमारे 18 फंदे बट जाते हैं, जिन्हें हम 5 भागों में बांटेंगे। 4 फंदे हम आगे की तरफ डालते हैं, 3 फंदे बाजू के, 4 फंदे पीछे के, 3 फंदे बाजू के और 4 फंदे हमारे आगे के। 7 नंबर के कान्हा जी में हम 22 फंदे डालते हैं, 5 बार जाली डालते हैं, 14 फंदे बाजू में घटाते हैं और हमारे 18 फंदे बच जाते हैं, जिन्हें हम 6 नंबर के कान्हा जी की चोली की तरह बांट लेते हैं। 8 नंबर के कान्हा जी में हम 22 फंदे डालते हैं, 6 बार जाली डालते हैं, बाजू में हम 15 फंदे घटाते हैं, हमारे 18 फंदे बच जाते हैं, जिन्हें हम 4 3 4 3 4 के घटा लेते हैं। 9 नंबर के कान्हा जी में हम 24 फंदे डालते हैं, 6 बार जाली डालते हैं, बाजू में 16 फंदे और 20 फंदे बच गए, जिन्हें हम 4 फंदे आगे के, 3 बाजू के, 6 पीछे, 3 बाजू के और 4 आगे, इस तरह मैंने बांट लेते हैं। 10 नंबर के कान्हा जी में भी हम 24 फंदे डालते हैं, इसमें हम 7 बार जाली डालेंगे और 18 फंदे बाजू में घटाते हैं और 20 फंदे बच गए, जिन्हें हम 9 नंबर के कान्हा जी की चोली की तरह बांट लेते हैं, 4 3 6 3 4। इस तरह हम सभी नंबर के कान्हा जी की चोलियाँ बना लेते हैं। बाजू कटाने के बाद हमें कितनी सिलाई और निकालनी रहती है, ये कान्हा जी के नाप के भी हम कर सकते हैं। हम 0 और 1 नंबर के में हम 2 सिलाई निकालते हैं, 2 और 3 के में हम 3 सिलाई निकालते हैं, 4 और 5 नंबर के कान्हा जी में हम 4 सिलाई निकालते हैं, 6 नंबर के कान्हा जी में हम 6 सिलाई, 7 नंबर के में भी 6 सिलाई, 8 और 9 नंबर के कान्हा जी में हम 6 सिलाई निकालते हैं और 10 नंबर के कान्हा जी में 8 सिलाई निकालते हैं। इस तरह हम सभी सिलाइयाँ निकाल लेते हैं और कान्हा जी के नाप लेते हैं। अब हम ये 0 नंबर की चोली बनाना शुरू करते हैं। पहले हम 0 नंबर की चोली बनाएंगे। 0 नंबर की चोली बनाने के लिए हम जिस कलर की ऊन से हमें साइड का बॉर्डर बनाना रहता है उसी कलर की ऊन से हम फंदे डालते हैं। तो हम अपनी क्रीम कलर की ऊन लेंगे, इससे हम 14 फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए हम शुरू में ऊन को डबल करते हैं। ऊन को डबल करने पे हम शुरू में यह नॉट नहीं लगाते, इसके
बीच में नोट लगाते हैं जिससे हमारे इधर की उन थोड़ी एक्स्ट्रा रह जाती है जो हम साइड का बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे इसमें इस तरह नोट लगा के इसमें 14 फंदे हम डालते हैं। हम 10 नंबर की सिलाई ले लेते हैं, फिर हमने 14 फंदे डाल लेते हैं। चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, अभी 14, ये हमारे 14 फंदे हो जाते हैं। अब इसमें हम नोट लगा लेते हैं। यहाँ पे पहली सिलाई हम उल्टी निकालेंगे। उल्टी निकालने के लिए हम पहला एक फंदा क्रीम कलर की ऊन से उल्टा बनाते हैं। अब हम इसमें दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे। जिस कलर की ऊन से हमें चोली बनानी रहती है, बीच के हम फंदे उस कलर की ऊन से बनाते हैं। मैं रेड कलर की ऊन लेते हैं। मैं यहाँ पे बीच के सभी फंदे उल्टे बना लूँगी जो मैं रेड कलर की ऊन से बनाऊँगी। इस सिलाई को मैं पूरा उल्टा निकाल लेती हूँ। हमारे बीच के 12 फंदे तो रेड कलर की ऊन से निकाल लेते हैं और शुरू के एक एक फंदा हम क्रीम कलर की ऊन से निकाल लेते हैं जो हमारे साइड में दोनों तरफ बॉर्डर बन जाता है। इस तरह हमारी पहली सिलाई निकल जाती है। अब हम दूसरी सिलाई में आ गए। दूसरी सिलाई में हम पहला फंदा क्रीम कलर का तो उल्टा बनाएंगे। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, रेड कलर की ऊन से हम इस तरह क्रॉस करके पहला फंदा रेड कलर की ऊन से सीधा बनाते हैं। अब हमको जाली बनानी है। जाली बनाने के लिए ऊन को हम आगे लाते हैं, इस फंदे के ऊपर जाली बनाते हैं। एक जाली बन जाती है, वापस से ऊन को लेके जाते हैं, इस फंदे को गिन लेंगे हम जाली के साथ और ये दो फंदे हम बाजू के बना लेते थे। एक, ये दो, दो हमारे बाजू के हो गए। अब वापस से हम जाली डालेंगे तो ऊन को पीछे लेंगे। ये हमने पहली जाली डाली, दोबारा से हम उनको पीछे लेंगे। अब इन फंदों को, इस फंदे को हम जाली के साथ गिन लेंगे। ये पीछे के हमें दो फंदे बनाने हैं, एक, एक दो, ये हमारे पीछे के फंदे हो गए। वापस से हम जाली डालेंगे। ये हमने एक जाली डाल ली, दूसरी जाली के साथ हम ये दो फंदे बाजू के बना लेंगे। एक, एक ये दो बाजू के, वापस से हम जाली डालेंगे। हमारा पहला फंदा जाली बन गई, दूसरा वापस से जाली लेंगे, दूसरी भी जाली बन गई। ये हमारा एक फंदा आगे का हो गया। उनको क्रीम कलर के उनको आगे लाएंगे, पहले फंदे को हम उल्टा बनाते हैं। इस तरह हमारी पहली जाली बन गई। अब हम पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे। तो पहला फंदा हमने क्रीम कलर की ऊन से उल्टा निकाला, तो बाकी के फंदे हम रेड कलर की ऊन से उल्टे निकाल लेते हैं। जाली का फंदा इस तरह होता है, इसको भी हम उल्टा बना लेते हैं। इस तरह हम पूरी सिलाई उल्टी निकाल लेते हैं। हमारी पूरी सिलाई उल्टी आ गई। वापस से हम क्रीम कलर पे आ गए। वापस से हम क्रीम कलर की ऊन से बना लेंगे। ये हमारी जाली की उल्टी सिलाई भी निकल गई। ये हमने पहले, ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में आ गए। फर्स्ट रो हमने पूरी उल्टी निकाली थी, थर्ड रो में हमने जाली डाली थी, फोर्थ रो उल्टी निकाली है। वापस से हम फिफ्थ रो में आ गए। फिफ्थ रो में हम पहला फंदा वापस से वही क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। रेड कलर की ऊन से शुरू में हमने एक फंदा बनाया था, पिछली बार हमने जाली डाल ली थी तब हमारे यहाँ दो फंदे हो गए। हम जाली के ऊपर अब दूसरी जाली डालेंगे, उनको आगे लेंगे। इस तरह हम ये जाली के ऊपर जाली डालेंगे। इस तरह हमारी अभी ये दूसरी जाली हो गई। बीच में हमारे बाजू के चार फंदे हो जाएंगे। वापस से उनको पीछे लेंगे और वापस से जाली डालेंगे। वापस से उनको पीछे लेंगे और वापस से हम जाली डालेंगे और अब पीछे के फंदे बना लेंगे। वापस से जाली के ऊपर जाली डालेंगे हम। इस तरह हम
सारी दूसरी जाली भी बन जाती है। जाली के ऊपर जाली डाल के हम ये दूसरी जाली भी बना लेते हैं। क्रीम कलर की ऊन आ गई, वापस से क्रीम कलर की ऊन से हम उल्टा फंदा बना लेंगे। अब हमारी पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी। इस तरह हमारी ये दो जालियाँ तो बन गई है। उल्टी सिलाई निकाल लेंगे हम, तीसरी जाली बना लेंगे, उसके बाद वापस से उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। इस तरह करके हम ये तीन रो कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने तीन जालियाँ बना ली। हमारी तीन जालियाँ, एक दो और ये तीन जालियाँ हमारी इसमें बन जाती हैं। सिलाई में हमारे अब कुल 38 फंदे हो जाते हैं। एक एक फंदा तो जो हम बॉर्डर का बनाते हैं वो रहता है क्रीम कलर का, और बीच में जो हमारी चोली के फंदे रहते हैं वो हमारे 36 फंदे हो जाते हैं। शुरू में हमने एक फंदा लिया था, तीन जाली बनाने से हमारे शुरू के चार फंदे हो गए। एक हमारे फली का फंदा रहता है, बाजू में हमने दो फंदे लिए थे, तीन जाली बनाने से आठ फंदे हो गए। फिर एक फली का फंदा आ जाता है, पीछे हमने दो फंदे लिए थे, तीन जाली बनाने से आठ हो गए। फिर एक जाली का, फिर आठ फंदे बाजू के, चार आगे के और एक क्रीम कलर का। इस तरह हमारी ये चोली का ऊपर का हिस्सा पूरा हो जाता है। अब हम इसमें बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए हम पहला फंदा तो वही क्रीम कलर की ऊन से उल्टा बनाते हैं, उल्टा बनाने के बाद ऊन को हम पीछे ले जाते हैं। रेड कलर की ऊन से हम शुरू के फंदे सीधे बनाएंगे। सीधे बनाने के लिए हम इसमें एक क्रीम कलर की दूसरी ऊन और जोड़ लेते हैं, जिसे हमको बनाना नहीं रहता, बस साथ लेके जाना रहता है। ये मैंने यहाँ पे एक फंदा बनाया आगे का, ऊन को मैं साथ ले चलती हूँ। इस तरह से दो फंदे, तीन, ये चार फंदे। चार फंदे तो हमारे आगे के हो गए, और एक फली वाला फंदा भी हम इसी में बना लेते हैं। इस तरह हमारे आगे छह फंदे हो जाते हैं, एक क्रीम का और पांच रेड के। अब यहाँ पे बाजू बनाएंगे। बाजू में हम आठ फंदे कटाते हैं, इसके लिए हम क्रीम कलर की ऊन से शुरू के दो फंदे बनाते हैं। हमने दो फंदे क्रीम कलर की ऊन के सीधे बना लिए। जो हमारा पहला फंदा होता है उस फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में से लेके पहले फंदे पे से उतार देते हैं। इस तरह हमारा ये पहला फंदा घट गया। अब दूसरा फंदा घटाएंगे हम इसी तरह। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात फंदे तो हमने घटा दिए, आठवां हमारा ये रहता है। इस फंदे को हम इसी में रख लेते हैं पहली सिलाई में। अब आगे का फंदा हम रेड कलर की ऊन से बनाते हैं, और जो हमारा ये फंदा होता है क्रीम कलर का, इसके ऊपर से उतार देते हैं। इस तरह हमारे बाजू के आठ फंदे कट जाते हैं। अब हम पीछे के सभी फंदे रेड कलर की ऊन से बनाएंगे, लेकिन जो हमारी क्रीम कलर की ऊन है उसको भी हम साथ में ले जाते हैं, जिससे हमको दूसरी बाजू बनानी रहती है। तो मैं पीछे के फंदे बना लेती हूँ। ये हमारे फंदे तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और ये पीछे के हमारे दस फंदे बन गए। पीछे के दस बन गए। अब वापस से हम बाजू के आठ फंदे घटा लेंगे। उसी तरह से शुरू के दो फंदे हम क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे। पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देते हैं। एक, ये दूसरा, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, सात। अब ये आठवां फंदा हमारा ये हो गया। शुरू के हमारे पांच फंदे हो गए, एक ही है, तो शुरू के हम छः फंदे बनाएंगे। अब अगला फंदा हम रेड कलर की ऊन से बनाते हैं, क्रीम कलर के फंदों के इसके ऊपर से हम उतार देते हैं। इस तरह हमारे आठ फंदे कट गए। अब रेड कलर की ऊन को हम यहाँ पे क्रीम कलर की ऊन को यहाँ से हम काट देंगे। तो हमारे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये लास्ट वाला फंदा हमारा क्रीम कलर का है, जो हम उनको आगे करके बना लेते हैं।
फिर हमारी ये दोनों बाजुएं घट जाती, दोनों बाजुएं हमारी घट गई। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे। पहला फंदा क्रीम कलर की ऊन से हम उल्टा निकालते हैं, बाकी के सभी फंदों को हम रेड कलर से उल्टा निकाल लेते हैं। हम पूरी सिलाई को उल्टी निकाल लेते हैं। इस तरह हमारी ये पूरी सिलाई उल्टी निकल गई। इसके बाद हम इसमें अब दो सिलाइयाँ और निकाल लेते हैं, एक सीधी एक उल्टी। इसमें हमने दो सिलाई निकाल ली है, अब हमारी चोली पूरी हो गई। अब हम सभी फंदों को घटा देते हैं। घेरा बनाना होता है तो हम यहीं से घेरा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम सिर्फ चोली बना रहे हैं इसलिए हम सभी फंदों को यहाँ से घटा लेंगे। सभी फंदों को हम रेड कलर की ऊन से घटा देते हैं। एक फंदे के ऊपर एक को उतारते हुए घेरा बनाना होता है जब हम फंदों को घटाते हैं ना, यहीं से शुरू कर लेते हैं। हमारी ये चोली पूरी हो जाती है। बनने के बाद कुछ हमारी चोली इस तरह बनती है। हम ऊन बची ऊन को हम काट लेते हैं। तो ये हमारी चोली पूरी बन जाती है। इस तरह हमारे 0 नंबर की चोली पूरी हो जाती है। इसी तरह हमने 4 नंबर की चोली भी बनाई है। इस चोली में हमने इस चोली की तरह शुरू में इसमें हमने 14 फंदे डाले थे, 4 नंबर की चोली में 18 फंदे डालते हैं। शुरू में हम दो क्रीम कलर से बनाते हैं, इसमें एक बनाया है। यहाँ पे हम 3 जाली डालते हैं, इसमें हम 4 जाली डालते हैं। इसमें हम बाजू में 8 फंदे घटाते हैं, इसमें हम 11 फंदे घटाते हैं। बाजू के बाद हम इसमें दो सिलाई निकालते हैं, इसमें हम 4 सिलाई निकालते हैं। इस तरह हमारे ये 0 नंबर की और 4 नंबर की चोली बन जाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।